तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच होने वाला है क्राउन जूल 2021 के अंदर। और भाई क्या इस मैच के अंदर अपने ब्रॉक लेसनर नए यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं, और क्या वो उसके बाद सर्वाइवर सीरीज के अंदर फेस करने वाले अपने ऑल माइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली का। तो भाई इसके ऊपर कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी जो कि आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए। और भाई बिग बहुत बड़े उंगली का यहाँ पे से मान सकते हो कि लेसनर को चैंपियनशिप जीतनी ही चाहिए रोमन रेंस के अगेंस्ट। तो भाई क्या कुछ बात ही कही है इसके बारे में बात करने वाले, तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस आप लोग अगर चैनल पर नए तो गाइस आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देर नहीं करते। तो गाइस यहाँ पर से रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच WWE जो है करवाने वाली है। एक्सट्रीम रूल्स के अंदर इसके चांसेस नहीं, लेकिन स्टिल WWE प्लान करने वाली है ये मैच अपने बिगेस्ट पे पर व्यू और सऊदी अरेबिया के लिए एक बड़ा मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। और गाइस WWE इसके अंदर हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप कौन ले जाएगा ये फिलहाल एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में। और भाई क्या रोमन रेंस अपनी टाइटल रेन को स्टिल कंटिन्यू रखने वाले हैं, और क्या अपने ब्रॉक लेसनर पहली रिटर्न के बाद मैच हारने वाले हैं, या फिर क्या वो रोमन रेंस को हराने वाले। तो देखो दोनों ही साइड से बहुत बुरी थिंग्स हो सकती है। रोमन रेंस हारेंगे तो उनके लिए थोड़ी बड़ी डिफरेंट चीज़ होगी, लेसनर हारेंगे तो भाई पहले मैच के अंदर नए गिमिक के अंदर वो हारेंगे तो ऐसी चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि जो अपने डे मेल्जर हैं उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की, और भाई डे मेल्जर ने ये कहा कि ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस को हराना ही चाहिए, और रोमन रेंस को हराने के बाद उसको यूनिवर्सल चैंपियन बनना ही चाहिए क्राउन जूल पेपर व्यू के अंदर। और भाई डे मेल्जर का एक रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है, और भाई इसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर अगर हरा देता है यहाँ पर से रोमन रेंस को, तो वो यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएगा। रोमन रेंस के लिए इतनी कोई बड़ी बात होगी नहीं, मतलब होगी बट इतनी भी कोई बड़ी बात होगी नहीं। और उसके बाद हमें जो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच सर्वाइवल सीरीज के अंदर एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच फिलहाल WWE प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर का, जो कि एक ड्रीम मैच है। और भाई हमें इसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच मैच दिखा दे सकते हैं। और भाई ये फिलहाल कुछ बड़ी बात है जो कि इसे आपस में डे मेल्जर हमें बताते हुए दिखा देते हैं। और भाई रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के अंदर हमें पॉसिबली अपने ब्रॉक लेसनर एक सरप्राइज विक्ट्री हासिल करते हुए दिखा दे सकते हैं। और भाई उसके बाद के सपने जो बॉबी लैशली है उनकी ख्वाहिश होने वाली है पूरी, और भाई अपने जो ब्रॉक लेसनर है वो आने वाले हैं सर्वाइवल सीरीज के अंदर एज ए यूनिवर्सल चैंपियन, और भाई वो फेस करने वाले हैं अपने बॉबी लैशली को। और भाई इन दोनों का हमें मैच दिखाई देने वाला है एक सर्वाइवल सीरीज के अंदर चैंपियन वर्सेज चैंपियन के बीच, और भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ हो सकती है। WWE चैंपियन वर्सेज यूनिवर्सल चैंपियन दोनों इतने तगड़े सुपरस्टार और भाई आएंगे जब आमने सामने, तो भाई बहुत बड़ा हंगामा मचने वाला है, क्योंकि रोमन ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली काफ़ी तगड़े डोमिनेटिंग चैंपियन बनेंगे। तो भाई देख लेते क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी तगड़ी चीज़ होने वाली है। और भाई आई गेस बॉबी लैशली के लिए ये उनका ड्रीम कम्स ट्रू होने वाला है, और भाई काफ़ी तगड़ी चीज़ अब मेरे ख्याल से WWE प्लान कर रही है। और भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हमें दिखाई दे सकता है एट सर्वाइवल सीरीज 2021। तो भाई आप कितने एक्साइटेड हो, और भाई क्या रोमन इसके हाथ से चैंपियनशिप जाने वाली है, और भाई क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच मैच होने वाला है WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के अंदर। आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स आपके ओपिनियंस मुझे आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। गाइस आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो पसंद है तो आप वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि गाइस आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो पसंद नहीं थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।